बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। मैं उम्मीद करती हूँ आप भी सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र हम भी ठीक हैं। आज के नए ब्लॉग का करते हैं आगाज़ और अपने बहन में रहना हमारे साथ साथ। तो मैंने चटनी बना ली है, तो इसमें हरा धनिया डाला है और दही डाली है। चटनी माशाल्लाह देखो कितनी ज़बरदस्त बना ली है मैंने चटनी, और रोटी मैंने बना के रख ली हैं। तो मेहमान वगैरह है, मैंने नाश्ता वगैरह देना है, तो माशाल्लाह जी फिर अभी सफाई वगैरह भी करनी है, बर्तन वगैरह भी धोना है। सिस्टर आपने चटनी लेनी है वैसे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इतना हमारे ना ज्यादा शौक से चटनी ज्यादा खाते हैं। सालन होएगा भी सही ना, फिर भी उसके बावजूद चटनी लाजमी खाते हैं। तो सब यानी कि भाई हमारी बड़े थे वो भी शौक से चटनी खाते थे। वगैरह मैंने कर लिया, नाश्ता वगैरह मैंने सबको दे दिया। तो यहाँ पे जब आई फातिमा ने अपनी लकड़ियाँ वगैरह फैलाई हुई है, और मैं भी कर सारी सफाई वगैरह अच्छी तरह कर ली है। और यहाँ पे ये कल बारी फातिमा ने कपड़े धोए थे वो भी खुश हो रही है, जैसे बेमार काम करके फारिग हो जाएंगी। फिर इन्हें तह लगा के अंदर कम पेटी में रखेंगी। और जी माशाल्लाह यहाँ पे जी धनिया भी माशाल्लाह हरा भरा हो गया है, और एलोवेरा भी लगा हुआ है, और गंदम भी लगी हुई है। मुझे लग रहा है इस साल ना मैं भी बेटा को ना गंदम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे है ना मैं भी बेटा। और सुना बर्तन सारे धुल गए आपके? अच्छा, मैं झाड़ू ला दूँ आपको? चलो ये बर्तन रख लेते ना फिर। अच्छा अच्छा, चलो फिर ठीक है। और अम्मी अबू आपके काम पे चले गए? बर्तन वगैरह धो लिए हैं, तो अब कपड़े उतार के रख रही हैं, और बर्तन धो के सामने रख दिए हैं। धूप वगैरह लगेगी और बर्तन खुशक हो जाएंगे। तो आप कमरे में रखने जा रही हूँ? अच्छा, माशाल्लाह सब बहुत ही प्यारा बेड है, मुस्तहीन आप ही हैं उसके लिए ये। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है, देख के आपको फोन मिला, बहुत ही माशाल्लाह अल्लाह तआला की बरकत से करवाए। आमीन सुमान, जिसने भी दिया अल्लाह ने उन्हें बहुत ज्यादा दे, अल्लाह ने बहुत ज्यादा दे। तो माशाल्लाह ये सामान देख के बहुत ज्यादा दिल खुश हुआ। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सामान है, इधर ये कपड़े हैं बाजी ने दिए। माशाल्लाह ये जानमाज है, प्यारे जानमाज है, इससे जिनकी नमाज पढ़ा करेंगी। तो सब बहन भले के लिए दुआ मांगा करेंगी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है। और ये है कुरान पाक का गले, माशाल्लाह कितना प्यारा है, देखो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा प्यारा है। और ये देखिए कैसा हाँ जी, वो सामने बेड और ये शोकेस क्या कहते हैं, हाँ जी सिलाई मशीन, और इधर ये पंखा माशाल्लाह जी, और सारा यानी कि भैया किचन का जो सारा सामान है, कमरे का जितना भी सारा सामान है माशाल्लाह ये सारा हैगा। और ये रजाई है माशाल्लाह जी, दो गद्दे हैं माशाल्लाह जी, ये दो रजाई हैं और दो गद्दे हैं। हाँ जी फेस वगैरह माशाल्लाह गर्मियों के भी हैं और सर्दियों के भी हैं। हाँ जी, जिस तरह गर्मी सर्दियाँ खत्म हो रही है, अब गर्मी आ रही है, तो गर्मी में जरूरत पड़ते हैं दो चार की है माशाल्लाह जी। ये भी हैं लॉन की, ये गर्मियों की हैं, गर्मियों की हैं, घर में आम डालने के लिए, आम डालने बाद में जिस तरह मेहमान वगैरह आते हैं तो जो बहन भाई परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, अल्लाह मियाँ की तकलीफ दूर कर दे। तो माशाल्लाह ये हमारे चैनल को बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। अल्लाह ताला ने बहुत लंबी जिंदगी दे, आमीन सुमा। तो बस माशाल्लाह जी बहुत ही प्यारा है, आंखों पर सुकून मिला है माशाल्लाह। हाँ जी बहुत ही प्यारा। और ये बेड के जो तकिए वगैरह होते हैं गोल तकिए, दो तकिए हैं, ये दो कुशन हैं, हाँ जी। और माशाल्लाह इसकी हम करते हैं सारे ही इनके पैकिंग वगैरह करते हैं, डब्बे वगैरह हमने निकाल के रख दिए। माशाल्लाह से सामान जो हमने सारा पैक कर दिया है, और अब जो है बच्चे उठा उठा कर दे रही हैं, और बड़े ऊपर खड़ कर ले रही हैं, छोटे छोटे सामान है वो बच्चे जो है उठा कर, सिर्फ ये दो खड़ी हैं इधर, और बाहर मुझे लग रहा है लोड करवा रही हैं, ये भी इधर पिक करके रखा हुआ है, और इधर से ये भी। अब बाहर चल कर देखते हैं आगे से वो रख रही है उधर, और ये इधर भी रख दिया, और उधर भी पड़ा है सामान, और खालू चौकर जो है ऊपर। चलो सामान जो है पैक होकर और डाले पे लोड होकर अब जो है रवाना हो रहे हैं। हाँ जी, घर खरीद चला जाए। हाँ जी अल्लाह ताला बहुत ज्यादा दे, भाई ने दिया, हाँ जी बहुत बहुत ज्यादा अल्लाह ताला ने सेहत की जिंदगी दे। आमीन, चलते हैं, वो इनाम ने भी छोड़ कर रखा है। हाँ जी, वो कहते हैं मुझे बहुत ही मिला, चलो फिर घर चलते हैं। हाँ जी चले चले।
प्यारे बहन भी वो सामान वगैरह जो सारा चला गया था, तो अब जो है दीवार आप देख रही हैं सारी लिपी हुई है। और ये किसने लिपी आपको बताते हैं, ये लिपी है खाला सुगरा ने आज लिपाई कर रही है। तो मैंने पहले इसमें मैंने पतला लेपा मारा, फिर बाद में ना गारा बनाते हैं ना, अभी तो गारा थोड़ा कम रहेगा ना। हाँ जी, तो फिर बाद में फिर मोटी मोटी लिपाई करूंगी। हाँ जी सर, माशाल्लाह जी मेहमान भी आए थे वो भी चले गए हैं। हाँ जी, घर गारे से अपने घर पहुँच भी गए, कल हमने करी है घर अपने घर पहुँच गए हैं। उसके बाद फिर मैं लगी जब अपने काम में लिपाई लिपुई करने में, मैंने कहा ये काम पड़ा है तीन चार दिन के, गारा मैंने बना के रखा हुआ था, तो मैंने कहा है ना जितना मेरे से होता है मैं कर लेती हूँ। हाँ जी, तो आप ना ये दीवार इधर से पूरी कर लेना, ये वाली ऐसे ही करूँगी। वो ना इंटे पहले मुझे बाहर से लाने पड़ेंगे, क्योंकि पहले इंटे थी ना वो स्टार्ट पे लगा दी थी। हाँ जी, तो अब इंटे और लानी पड़ेंगी मुझे करना। सही है, करूँगी यहाँ तक तो अभी फिलहाल, अभी तो यहाँ तक करूँगी, यहाँ तक इधर तक, यहाँ तक ये डब्बी है ना यहाँ तक करूँगी। सही है, फिर और इंटे ला के ना फिर ये मुकम्मल करूँगी। सही है, चलो फिर मैंने कहा ना गारा वगैरह बना लेती हूँ, गर्मी भी हो रही है। हाँ जी, गर्मी बहुत हो रही है, रमजान से पहले पहले ना सफाई सफाई कर लेते हैं। हाँ जी, रोजे रखेंगे फिर काम नहीं होएगा रोजे में। हाँ जी, रोजे में ये लिपाइयाँ वगैरह तो ये नहीं होगा, और काम होएगा खाना पकाने का और काम तो होएगा, झाड़ू बर्तन तो होगा, मगर ये लिपाइयों का काम नहीं होगा। हाँ जी, फिर आपको पता फिर नमाज पढ़नी है, फिर तराबियाँ पढ़ेंगे इंशाल्लाह, सब बहन बेले के लिए दुआ मांगेंगे, जो जो हमारे बहन भाई हमारी वीडियो देखते हैं, हाँ जी, जो बाहर मुल्क से देखते हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं माशाल्लाह, अल्लाह उनके लिए जिंदगी लंबी रखे, अल्लाह ताला उन्हें सेहत वाली जिंदगी दे, सब बहन बेले के लिए दुआ मांगेंगे, जो भी इनके बेटी दुख हैं तकलीफ हैं परेशानी हैं घर में जो मसल मसाल हैं, तो सबके लिए दुआएँ मांगेंगे रमजान में। हाँ जी, फिर माशाल्लाह फिर रोजे रखेंगे, तरावीह पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आएगा, नेक दिन होएगा, नेक महीना होएगा, जितनी हम अल्लाह ताला की इबादत करेंगे उतनी ही कम है, सवाब मिलेगा, जितनी ही करें ना उतनी ही कम है। हाँ जी, वैसे तो करनी चाहिए, बात तो रोज करनी चाहिए, अल्लाह ताला ने कहा है हमने आप इंसान को किसी लिए पैदा करा है, नमाज रोजे के लिए किया है। हाँ जी, तो ठीक है, चलो फिर अल्लाह ताला हिम्मत देगा हम करें इंशाल्लाह, रोजे रखेंगे तो सब रखेंगे, माशाल्लाह जी मैंने यहाँ से सारी लिपाई वगैरह कर दी है, तो अभी लिपाई करी है, फटने लग रहा है यहाँ से, ये एक दफ़ा दोबारा फिर मारूंगी फिर ये ऐसे फटेगा नहीं, सारी ये तोड़ तक मैंने दीवार कर दी है, वो अभी बाद में करूंगी, मैं भी गारा तरह ख़त्म हो गया था वो बाद में करूंगी, तो सफाई वगैरह मैंने यहाँ के कर ली है। बच्चे आ रहे हैं और उधर से अम्मी जान आ रही है और मेरी छोटी नंद आ रही है, नंद की बेटी आ रही है, ये वाली मसारत है उनकी बेटी आ रही है, तो मैं भी उन्हें लेने जा रही हूँ। मैं पहले से यहाँ पे आप इन्हें घी भी अच्छा गर्म कर लिया, ध्यान से घी अच्छी तरह गर्म हो चुका है ना, पानी खाना चटनी के अंदर। हाँ जी, और आपकी ये दीवार भी बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह से, मेहनत करी है। हाँ जी, तो सारी बातें अगर अच्छी तो लगेगी। अब आपने एक दफ़ा मेहनत किया है ना, एक दफ़ा दोबारा से जो है ना वो और दिक्कत नहीं, कुछ डालते हैं तूड़ी वगैरह ना वो डाल के आप लिपाई करना और भी अच्छी लगेगी। हाँ जी, तो यहाँ पे मैं आप रोटी बनाने लग रही हूँ, कड़े वगैरह कर लेती हूँ। हाँ जी, तो चाबी मैंने यहाँ पे ला के रख दी है, तो जिस तरह मेरे चटनी भंगार हो जाती है तो इसके बाद घी में ये नहीं फ्राई कर रहे हो आप? हाँ जी, घी में माशाल्लाह की खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। चूल्हे से ये फायदा है कि जिस तरह मर्जी आग ऊपर नीचे कर लो आराम से आग जल जाती है, मम्मी का भी सुकून है। जी जी, और वो आंटी आई है क्या क्या वो मैं बाजी पूछती आई है, वो मुझे लग रहा गोभी वगैरह देख देने आई है। अच्छा, यहाँ पर जी खाला ने रखी हुई है चाय और खाला के आए हुए मेहमान, तो उन्होंने अम्मी जी आई हुई है और बाजी आई हुई है और छोटी इनकी भांजी आई हुई है। हाँ जी, तो खाना वगैरह मैंने बना के दे दिया, खा लिया। हाँ जी, अब ना लग रही मैं चाय। हाँ जी, तो फिर चाय बना के देती हूँ, अम्मी को भी देती हूँ, बाजी को देती हूँ, आप अम्मी के पास चला जाए। सलाम कर, पहले भी मैंने कर लिया अब दोबारा, ओ आपकी चाय आ गई, आप चाय देखे मैं सलाम दुआ करके आती हूँ। यहाँ पर बैठे मेरा अस्सलाम वालेकुम नाना जी, तुम ऐसे ठीक है? आपकी सफ़र कैसा रहा आपका? और इस पर खाला जी चावल साफ कर रही हैं। हाँ जी, चावल साफ आज बना रही हैं हम, दाल चावल। दाल चावल बना रही हैं? दाल चावल बना रही हैं। सही है, और आप क्या बना रही हैं? हम देखेंगे ना, पटाखे बजा रहे हैं बच्चे। हाँ जी, और इधर तो एक आंटी गोभी देखेगी, यहाँ वही बना लो।
वो अम्मी आएंगे ना फिर पता देखें क्या बनाते हैं क्या नहीं। गोभी बनानी है, आलू गोभी बनानी है, देखेंगे ना फिर, ठीक है ना। और यहाँ जी खाला बना रही है चटनी। खाला किस लिए बना रहे हैं आप? बताइए, चटनी बना रही हूँ, ये लहसुन और हरी मिर्चे पीस रही हूँ और ये पानी रखा हुआ है मैंने, तो इसके अंदर जो है ये लहसुन पिसा हुआ डाल रही हूँ और साथ प्याज भी मैंने कूटा है और ये बस पीस किया। बस अभी आग भी हमारी जल चुकी है, हाँ जी, तो अभी ये सारा मसाले वगैरह कुछ मसाले डाल के तो इसे वेट लगा दूँ मैंने। आज बना रही दाल चावल और चाल भी रखे हुए हैं और दाल उधर रखी साफ कर लिया, बस ये दाल भी साफ की हुई है, ये दाल भी। हाँ जी, माशाल्लाह जी, कुकर में दाल रख दी थी और तकरीबन मुझे लग रहा दाल हो चुकी होगी जहाँ तक मेरा अंदाजा है। माशाल्लाह जी, चमचा मारो, ऊपर नीचे करो। माशाल्लाह जी, कुकर का ये फायदा होता है कि ना कुकर में ना चीज़ जल्दी हो जाती है ना। रुपये अभी नहीं हुई है, अभी थोड़ी पतली है। अच्छा, चलो फिर ठीक है, आप लगा देना। और यहाँ पे जी रुपया सिस्टर ने बंगार ये भी उतार दिया ताकि फिर ना वो जब होएगा फिर। अच्छा चलो फिर ठीक है, आप दोबारा लगा दो, वेट लगा दो, दो मिनट के लिए और लगा दो, फिर जल्दी हो जाएगी। और मैं भी बेटा क्या कहती हूँ, हल्ला को कुछ भी नहीं कहती। मैं शायद कुछ कहने के लिए आई हूँ। अच्छा, खाना वगैरह बना लिया आपने? हाँ जी, खाना बना लिया। अच्छा, बना लिया कि वहाँ से क्यों? वैसे ही हंसी। अच्छा चलो, आपके पास नमक है थोड़ा सा ला के, तो अभी आपके हल लाएंगे फिर दे दूंगा। अच्छा रुकिया सिस्टर, माशाल्लाह वीडियो भी माशाल्लाह हमारी कम्प्लीट हो चुकी है। ये थी आज की हमारी ज़बरदस्त वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आए, तो लाइक करना, शेयर करना फैमिली मेम्बर के साथ, दोस्तों के साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ शौकत भाई।